देखें, दीपावली को मनाने के लिए जितने भी टीचर हैं, हर टीचर के सब्जेक्ट के आधार पर दीपावली को मनाया जाएगा। जैसे मैथ वाले हैं तो मैथ वाले सर के जो भी सिद्धांत दिए हैं, बाजार जाएंगे, जो भी सामान लेंगे इनके आधार पर काउंटिंग करके पैसे का मूल्यांकन करके सामान को लेंगे, उस पर दीपावली चलेंगे मैथ सर जी के सिद्धांत पर। उसके बाद फिजिक्स पर चलते हैं, फिजिक्स पर जो भी पटाखा होगा उसका मोमेंट कितना होगा, कितनी दूर जाएगा, उस फिजिक्स वाले सर जी के आधार पर हम उस पटाखे को जलाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को क्षति ना पहुँचाए। उसके बाद इंग्लिश वाले सर जी हैं तो इंग्लिश वाले सर जी जो भी बाज़ार में जाएंगे, चाहे इंग्लिश में थोड़े शब्द में बोलिएगा सामान को लेने के लिए, अब ये नहीं कि इनके जैसा पूरी लाइन बोलेंगे तो नहीं समझ पाएगा दुकान वाला। इंग्लिश में मांगे मगर छोटे में। और यदि पटाखा भी बुला रहे हैं, कोई आस पास है और उसको हटाने के लिए है, तो वही वर्ड इंग्लिश में यूज करिए जिससे वो समझ जाए कि हमको बुलाने के लिए कह रहा है कि भागने के लिए कह रहा है। अब अगली बातें हैं कि सबसे बड़ा थोड़ा कष्ट है कि केमिस्ट्री वाले सर जी नहीं हैं जिनका दीपावली पटाखे में मेन रोल होता है, वो नहीं है। मगर केमिस्ट्री के आधार पर जो भी पढ़ाए हैं, क्या उसमें बारूद है पटाखे में, उसके आधार पर उस पटाखे का यूज करिएगा। कितना विस्फोटक होता है, कौन केमिकल कितना विस्फोटक होता है, सर जी बताए होंगे या किताब में दिया होगा, पढ़े होंगे, उसी के आधार पर जो भी पटाखा होगा उसको यूज करिएगा। उसके बाद में आता है हमारा विषय, तो हमारे विषय में क्या होता है कि शरीर को सुरक्षित रख करके, या जो भी पशु हैं, जानवर हैं, माता पिता भाई हैं, शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके आधार पर उसका यूज करिएगा पटाखे का दीपावली के दिन। लास्ट में आता है जब सब कुछ प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, तो जो सर जी हिंदी पढ़ाते हैं उनकी खुशियाली में आता है कि हमारा त्यौहार ठीक ठाक हिंदी के रूप में खुशी से बीत चुका है। अन्य जो टीचर हैं सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाते हैं, उनका आता है कि समाज को देख करके हमने अपना पूरा कार्यक्रम दीपावली को मना लिया, समाज हमको किसी प्रकार का गलत शब्द या गलत निगाह से नहीं देखा। तो जितने भी टीचर कोचिंग में प्रेजेंट हैं उन टीचर के सिद्धांत सब्जेक्ट के अनुसार अपना त्यौहार मनाइए और रात में उसी के अनुसार स्टडी करिएगा। धन्यवाद। ये बताइए आप लोग।